नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। सीमा पर लद्दाख से अरुणाचल तक चीन ने बढ़ाई सेना की तैनाती। सीमा पर बढ़ रही भारतीय सेना की संख्या, भारत चीन के बीच सीमा को लेकर इस वक्त तनाव चरम पर है। ये विवाद उस वक्त पैदा हुआ जब चीन की सेना की तरफ से मई के पहले सप्ताह में लद्दाख सेक्टर और सिक्किम में निर्माण कार्य शुरू किया गया। दिल्ली में कोरोना विस्फोटक के कारण जामा मस्जिद 3 जून तक के लिए बंद। ये कदम तब उठाया गया है जब शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के सचिव अमानुल्लाह की मंगलवार रात को सफदरजंग अस्पताल में कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई थी। लॉकडाउन में श्रमिकों को 60 किलोमीटर पहुंचाने में बस पी गई 149 लीटर डीजल। 4 ड्राइवर हुए बर्खास्त। ये बस चारबाग रेलवे स्टेशन से श्रमिकों को बाराबंकी छोड़कर वापस लौटी थी। आपको बता दें कि 6 किलोमीटर बस संचालन पर औसतन 1 लीटर डीजल खर्च होता है। इस हिसाब से लखनऊ बाराबंकी के बीच 10 से 12 लीटर ही डीजल खर्च होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के बरेली के दरगाह आला हजरत के मौलाना ने मस्जिदों में सैनिटाइजर के इस्तेमाल के खिलाफ फतवा दिया। साबुन उपयोग करने की सलाह। मौलाना की दलील है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और इस्लाम में शराब के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। लॉकडाउन में ढील मिलते ही खुली नेपाल की ओली सरकार की पोल। लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी बोले, कोरोना से निपटने में विफल रही नेपाल की ओली सरकार, नाकामी छिपाने के लिए भारत विरोधी राष्ट्रवाद को हवा दे रहे ओली। कोरोना लॉकडाउन की आपदा, मैगी के लिए बनी अवसर। 25% बढ़ गई बिक्री। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच तो इंस्टेंट नूडल्स मैगी के लिए जमकर मारामारी रही। असल में खाने पीने के ठीहे, होटल रेस्टोरेंट सभी बंद होने की वजह से बहुत से लोगों के लिए मैगी तत्काल नाश्ते का एकमात्र विकल्प था। यूपी में अनामिका शुक्ला फर्जी टीचर मामले में मास्टरमाइंड का भाई पुलिस के हत्थे चढ़ा। कासगंज पुलिस ने मास्टरमाइंड आरोपी के भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में कासगंज से पकड़ी गई शुप्रिया जालसाज दोस्त राज का असली नाम सामने आया है। कोरोना संकट का असर टल गया जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य। इसके विकास के लिए जर्मन कंपनी से समझौते पर दस्तखत टाल दिया गया है। लखनऊ में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच चीन बना है साझा मुद्दा। दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेट और रिपब्लिक दोनों ही चीन को अपने लिए सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि वो ये भी मान रहे हैं कि चुनाव के बाद ट्रंप की सत्ता में वापसी होगी या नहीं, इसको लेकर फिलहाल कहना काफी मुश्किल है। महिला और उसकी बच्ची की हत्या से धधक उठा बलूचिस्तान। डर से चौकियां छोड़ भागे पाकिस्तानी सैनिक। इस वारदात के खिलाफ बुधवार को जब प्रदर्शनकारी बलूचिस्तान के ब्रॉपचाह इलाके में जुटे तो वहां हिंसा भड़क उठी। उम्मीद करते हैं आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। खबरों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।